welcome to essence seasoning hope you're all doing great and welcome to one of my new recipe आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम बिरयानी कह लो या फिर इसे मशरूम पुलाव बुला लो ये अपना अपना बुलावा तो अलग होता ही रहेगा बट खाने में अच्छा होना चाहिए जो कि इस वीडियो का मेन मोटो है ये बहुत ही अमेजिंग बिरयानी है जो बहुत ही अच्छा बनता है और मशरूम तो इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अमेजिंग वेजिटेबल है सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलो बनाते हैं हमारी अमेजिंग रेसिपी तो मैं मशरूम बिरयानी बनाने के लिए पहले यहाँ पे मैरिनेशन रेडी करना पड़ेगा उसके लिए मैंने ले लिया है पाँच से छः हरी मिर्ची थोड़ा सा हमने ले लिया है पुदीना उसी क्वांटिटी में हम ले लेंगे धनिया पत्ता और अदरक लहसन का पेस्ट ले लिया है इसे हम एक थोड़ा सा पानी ऐड करके थिन पेस्ट बना लेंगे और यहाँ पे हम मैरिनेट करेंगे हमारे मशरूम्स को मशरूम के पीसेस आप जैसे खाना प्रीफर करते हो वैसे काट लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ रखे हैं 250 फिफ्टी ग्राम्स के करीब मैंने मशरूम लिया है और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिया है एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून धनिया पाउडर आधा टी स्पून मैंने लिया है पेपर पाउडर आधा टी स्पून मैंने हल्दी लिया है और स्वाद अनुसार नमक ले लिया है और इन सारे स्पाइसिस को हम ऐड कर देंगे हमारे मशरूम में और मैंने ले लिया है यहाँ पे चार बड़े चम्मच दही और इसको भी हम ऐड कर देंगे हमारे मशरूम के साथ इसे हम अच्छे से आधा घंटा मैरिनेट होने रखेंगे और जो पेस्ट हमने बनाया था पहले ही धनिया पत्ता पुदीना के साथ तो वो पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस मिक्स को हम अच्छे से हमारे मशरूम के साथ मिला लेंगे सारे स्पाइसेस अच्छे से मशरूम के साथ घुल जाएगा और इसे हम अच्छे से मिलाने के बाद करीबन तीस मिनट तक इसे मैरिनेट होने हम रख देंगे साइड पर और अब बारी आते हैं हमारी पुलाव बनाने के लिए तो आप हाड़ी या फिर कुकर ले लीजिए उसमें हम ऐड कर देंगे दो बड़े चम्मच तेल और सेम अमाउंट हम ऐड कर देंगे दो बड़े चम्मच घी या फिर आप सिर्फ घी से भी बना सकते हो सिर्फ तेल यूज़ करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो फ़ाइन आपकी मर्जी है और यहाँ पर मैंने थोड़े कड़े मसाले ले लिया मैंने ले लिया है एक टी स्पून सौफ चाय यहाँ पर लौन्ग ले लिया है छोटे पीस दालचीनी के दो ले लिया है मैंने और दो मैंने इलायची ले लिया है हरी इलायची और एक ब्लैक इलायची ले लिया है थोड़े प थोड़े तेज पत्ता ले लिया है और दो मैंने यहाँ पे चक्री फूल ले लिया है इन सारे कड़े मसालों को हम अब ऐड कर देंगे हमारे तेल और घी में और इसे भूनेंगे थर्टी सेकेंड तक ज़्यादा नहीं भूनना है सिर्फ तीस सेकेंड तक इसे अच्छे से हम भून लेंगे और यहाँ पे हमारे कड़े मसाले के अच्छे खुशबू आ रही है अब इस समय मैंने यहाँ पे ले लिया है दो बड़े प्याज और उसको मैंने स्लाइस कर लिया था लंबा तो इसे मैं ऐड कर दूँगी हमारे कड़े मसाले के साथ और इसे हम फ्राई करेंगे जब तक हमारा ऑनियन जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता दो से तीन मिनट हम इसे फ्राई करेंगे अब आप देख सकते हो हमारी जो ऑनियन है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है ऑलमोस्ट तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमने जो मैरिनेट करके रखा था मशरूम आधा घंटा पहले पुदीना धनिया पत्ता सब डाल के हमने जो मैरिनेशन रेडी किया था तो उसे हम इसके साथ ऐड कर देंगे यहाँ पे हमारे ऑनियन के साथ और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हो हमारा जो मशरूम है बहुत ही बढ़िया मैरिनेट हो चुका है तो इसे हम ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसे कड़े मसाले घी और ऑनियन के साथ मिक्स करेंगे और इसे हम पकने देंगे कम से कम तीन से चार मिनट तक अच्छे से पकने देंगे यहाँ पे पाँच मिनट हो चुका है आप देख सकते हो मशरूम अच्छे से बॉयल हो चुका है अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैंने दो बड़े टमाटर बारीक काट के रखा था तो उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है हमारे मशरूम के साथ और फिर से जैसे हम करते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर से हमारे टमाटर को थोड़ा मतलब सॉफ्टन होने देंगे एक दो मिनट तक अब देख सकते हो हमारा जो टमाटर है सॉफ्टन हो चुका है थोड़ा और हमारा जो मसाला भी है बहुत ही अच्छा बॉयल हो रहा है बहुत ही यमी लग रहा है देखने में इसे हम कुक होने देंगे अब और पाँच मिनट तक और उसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ा डाल देंगे सॉल्ट ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी गल जाए और हमारा मसाला भी जल्दी से पक जाए तो यहाँ पे हमने सॉल्ट डाल के इसे फिर से एक बार स्टेर कर लिया अच्छे से और आप देख सकते हो मसाला बहुत ही अमेजिंग बनाया हमारा तो इसे हम थोड़ा टाइम पकने दे देते हैं हमारा मसाला साइड से तेल छोड़ने लगा है तो मसाला रेडी है यहाँ पे मैंने चावल जो है मैंने दो ग्लास चावल लिया था और इसे मैंने तीस से आ, तीस मिनट पहले धो के रेडी रखा था भिगो के तो यहाँ पे हमने चावल मिक्स कर लिया है हमारे मसालों के साथ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है बहुत ही यमी लगता है आप डिनर में खा सकते हो या फिर लंच में भी बहुत ही बढ़िया बनेगा तो ये आप अच्छे से इसे मिक्स कर लो ताकि कहीं पे भी हमारा चावल जो है वो ब्लैंड ना बचे तो इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे एक दो मिनट तक आराम से पकने के लिए सिर्फ़ दो मिनट रखना है ज़्यादा नहीं अब दो मिनट के बाद यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ कोकोनट मिल्क तो मैंने क्या किया था नारियल जो होता है उसे मैंने ग्राइंड करके उसका जो पानी आता है उसे मैंने ले लिया था तो उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है नारियल का जो मिल्क होता है उसे और उसके बाद अब बारी आती है इसमें पानी मिक्स करने की बट पानी आपको देख के मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी नारियल का जो मिल्क है वो भी ऐड किया है तो यहाँ पे हर वक्त रेशो ये होता है कि अगर आपने दो ग्लास चावल लिया है तो चार ग्लास पानी होता है बट यहाँ पे हमने नारियल पानी भी थोड़ा डाला है मतलब नारियल का जो मिल्क होता है तो इसी पानी थोड़ा हम कम डालेंगे चार ग्लास से थोड़ा कम तो यहाँ पर इसे पकने देंगे हम दस मिनट तक दस मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा जो चावल है और मसाले हैं सब कुछ बहुत ही बढ़िया बन रहा है आप देख सकते हो बहुत ही यमी लग रहा है बहुत ही लाजवाब लग रहा है इसे हम एक एक बार मिक्स कर लेंगे तो बीच बीच में दस मिनट या पाँच मिनट के गैप में एक एक बार मिक्स कर लोगे तो चावल जो है नीचे पकड़ेगा नहीं तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आई थिंक और पाँच मिनट में हमारा जो राइस है वो बन जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट जो राइस है वो बन चुका है तो इसे हम ढक के और पाँच मिनट के लिए पकाएंगे तो आप देख सकते हो पाँच मिनट बाद कि कितना बढ़िया लग रहा है हमारा राइस और हर एक दाना अलग अलग बनाया है इसमें हमने बहुत ज़्यादा तेल हो या फिर घी हो नहीं डाला है बट ये अलग अलग बना क्योंकि पानी का रेशियो सही प्रमाण में है अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो पूरा चावल जो है हमारा पूरा सॉफ्ट बन जाएगा तो आप देख सकते हो हमारा मशरूम पुलाव जो है बहुत ही यमी बन के रेडी हो चुका है एंड लाजवाब बना है अगर आप को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस